मप्र के इन शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, लोक शिक्षण संचालनालय का बड़ा फैसला, आदेश जारी। स्कूल शिक्षा विभाग ने अन्य सभी विभागों को पीछे छोड़कर एक सत्र में डबल डिग्री और सह विषय के विवाद वाले 601 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही वंचित 146 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए 1 जुलाई को सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में बुलाया गया है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग हाईकोर्ट ने डबल डिग्री को अमान्य किया है। इससे अन्य विभागों में नियुक्ति से वंचित डबल डिग्री वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति के रास्ते खुल गए हैं। उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती में दस्तावेज सत्यापन में शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 के चयनित अभ्यर्थी जिनकी सत्र में 2 डिग्री व सह विषय होने से नियुक्ति रोक दी थी, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने उन्हें ईमेल आईडी पर नियुक्ति आदेश भेजकर चौंका दिया है। अमान्य प्रकरणों, प्रावधिक चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के आवेदनों का निराकरण करने समिति गठित की, इसके बाद निराकरण किया। इसमें 601 शिक्षकों को 11-12 मई को दस्तावेज सत्यापन के और लिए दोबारा बुलाया था। इनमें डबल डिग्री और सह विषय वाले 146 अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए दोबारा बुलाया है। सभी विभागों में एक सत्र में डबल डिग्री है। अमान्य UGC की गाइडलाइन में प्रदेश के सभी विभागों व देश भर में एक सत्र में डबल डिग्री अमान्य है। UGC ने हाल ही में डबल डिग्री को आगामी समय में मान्य करने की बात जरूर कही गई है, लेकिन वर्तमान में मान्य करने का कोई आदेश नहीं है। ऐसे में स्कूल शिक्षा के आदेश से अन्य विभागों के वंचित अभ्यर्थी कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। रेगुलर प्राइवेट की साथ में डिग्री कमेटी ने की मान्य एक सत्र में डबल डिग्री के प्रकरणों में कमेटी ने निर्णय लिया कि एक डिग्री स्वाध्याय पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा से और दूसरी नियमित अथवा दोनों डिग्री स्वाध्याय पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा से होने की स्थिति में मान्य की जाए। साथ ही परीक्षा में ATKT के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां अर्जित होने की स्थिति और ATKT की अनुसूची में अंकित सत्र या वर्ष के कारण हो रही है तो ऐसे अभ्यर्थी भी पात्र किए गए हैं। वहीं सह विषय मामले में स्नातक स्तर पर क्वालिफाई विषय से डिग्री प्राप्त मान्य की गई है।